हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें देसी में सीखो चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी में सीखो। दोस्तों फोटोशॉप के इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं 8 फोटो टेम्पलेट। जी हाँ, जैसे कि इससे पहले मैंने काफ़ी सारी फोटो टेम्पलेट्स मैंने अपलोड की है और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, उसे डाउनलोड भी किया और उसे यूज़ भी करते हैं, बट मुझे कहने की आप लोगों से कुछ ना कुछ शिकायत जरूर रहती है कि जितने लोग एटलीस्ट डाउनलोड करते उतने लोग लाइक नहीं करते वीडियो को। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप। देखिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 8 फोटो टेम्पलेट। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में वीडियो में क्लिक करने से पहले थंबनेल में गौर किया होगा, 8 फोटो टेम्पलेट का मैंने कुछ सैंपल्स क्रिएट करके बनाया हुआ है और आगे में भी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस टाइप के टेम्पलेट्स है, किस तरह आप फोटो रिप्लेस कर सकते हैं। एक्चुअली विद इन बस सिंगल क्लिक में आप फोटो को रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट से बनाया हुआ लेयर है, एंड देन अपने फोटो को और भी काफ़ी कूल और काफ़ी डिफरेंट लुक दे सकते हैं, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। अब बस वीडियो के साथ बने रहे ताकि सारे प्रोजेक्ट को अच्छे से देख ले, समझ ले, देन डाउनलोड करें ताकि आपकी MB आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो खैर टाइम को वेस्ट नहीं करते, सिंपल हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी तक आपने देसी में सीखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज मैं अक्सर लाता रहता हूँ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं। तो बिना टाइम गवाए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अपने डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, जब भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम 21 है PSD फाइल्स की। तो वॉल्यूम 20 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है देसी मेसी को यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो सारे वीडियोस को और फाइल को डाउनलोड करके इसे यूज भी कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना, 8 फोटो टेम्पलेट्स को राइट क्लिक करके यहाँ पे सिंपली एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके पास फोल्डर ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको JPG दिखाया गया है, PSD फाइल से, ये नोटपैड जो कि हमेशा होते हैं, ये व्यू मैंने इमेज बना के जस्ट आप लोगों के दिखा दी है कि एक्चुअली इस PSD फाइल से पा क्या सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे थंबनेल में भी आपने सेम चीज़ देखा होगा, बट यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको कुछ इतने तरीके के। यहाँ पे मैंने कुछ टैग वगैरह टाइटल वगैरह लिख करके यहाँ पे कुछ इस तरह से थंबनेल शो किया हुआ कि इस टाइप का लुक आप फोटो को बनाइए, सिंपल वाला है, देन ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ एंड फाइव, सिक्स, इस तरह का इफेक्ट। बट सिंगल क्लिक में अब फोटो चेंज करना, कोई भी इफेक्ट आपको यूज़ नहीं करना है, कुछ भी ज़्यादा झमेला नहीं है, बस सिंगल क्लिक में आप सिर्फ फोटो चेंज कर ले, बस आपका काम हो गया है ना। तो इसी सेम वही चीज़ आप JPG में देखें, 1x1 मैंने सभी की एक एक JPG बना के रख दी यहाँ पे। तो सेम ये PSD स्टार्ट करते किसी में एक दो PSD फाइल को ओपन करके फोटो रिप्लेस करके दिखाता हूँ, देन आप सेम प्रोसीजर से किसी में भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट वाले को ओपन कर लिया मैं, है ना, देखें फर्स्ट वाला ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं बट आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इतने सारे यहाँ पे लेयर्स है, बट किसी को आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, बट एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे। इसके अभी ये ब्लैक बैकग्राउंड है ना, इसे मैं ऑफ कर दूंगा तो ये ग्रे कलर का ये बैकग्राउंड हो जाएगा। तो दोनों में से जिसे आप चाहे वैसे रख सकते हैं बैकग्राउंड, है ना, या फिर आप चेंज कर सकते हैं, नया लेयर यहाँ बना के बैकग्राउंड को ऐड भी कर सकते हैं, व्हाटएवर जैसा भी आपका दिल चाहे। बट अब ये इफेक्ट पैनल अगर आपको समझ आती है तो इसे खोल करके इसे खोल करके यहाँ से समझ सकते हैं एक्चुअली मैंने किस तरह बनाया हुआ है। अगर नहीं पता ये सब स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप इसे नहीं छेड़ो तो बेटर है। सिंपल वे में आप क्या करें, यहाँ पे एक फर्स्ट लेयर दिख रही है, इस पर आपको डबल क्लिक करना और सिंपली फोटो चेंज कर लेना, बस आपका काम हो गया, आपका इफेक्ट विद इन 1 क्लिक में रेडी है। डबल क्लिक भी नहीं करना तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, राइट क्लिक करके यहाँ पे देखें रिप्लेस कॉन्टेंट का ऑप्शन आएगा, इसे सिंपली क्लिक करें। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फोटोज़ आप जहाँ पे भी रखें उस लोकेशन पे चले जाए, देन फोटो को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अभी कुछ ऐसा बॉयज़ की फ़ोटो है नहीं तो मैं किसी गर्ल्स का ही फोटो ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये इसे ले लिया, देन प्लेस। अब प्लेस करते ही यहाँ पे देखिए वो फोटो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, है ना, चेंज होगी, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो रिप्लेस होगी आपकी, जैसे कि देख सकते हो। अब रही बात इसकी, देखिए अब सही लोकेशन पर नहीं दिख रही, या फिर फोटो को छोटा करना या व्हाटएवर कुछ छोटा बड़ा या कुछ भी करना है तो उसे कैसे करेंगे। तो ये थी हमारी सिर्फ फोटो रिप्लेस करने की। अब फोटो को छोटा बड़ा करना, सिंपली इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन करें, एंड देन सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ये लेयर को जब सेलेक्ट करें आप, देन Ctrl+T करें। ओके, ये Ctrl+T किया मैंने, अब B4 को थोड़ा सा छोटा कर लें आप, है ना, देखिए अब लोकेशन चेंज हो रही है ना फोटो की। आप कॉर्नर से पकड़ के Alt और Shift दबा के से छोटा कर ले, है ना, कुछ इस तरीके से छोटा कर ले जैसा भी आपका जरूरत हो, देन अगेन इस फोल्डर को ऑफ कर दे, बस आपका फोटो रेडी है। बस एक सिंगल क्लिक में आपने फोटो को चेंज कर लिया। तो आई होप कि इस तरह से अब भी
चेंज कर पाएंगे। मैं सेकंड किसी और एक फोटो को चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं फोर्थ वाला को ओपन कर लिया, सबका प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम है, ज़्यादा कुछ भी प्रोसेस इसमें नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम होगी। सेम चीज़ वही करना है आपको, सिंपली राइट क्लिक करना है यहाँ से, देन रिप्लेस कॉन्टेंट पर क्लिक करना है। देन यहाँ से मैं इस बार रिप्लेस कर लेता हूँ, किसी को भी रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक्चुअली मेरे पास ऐसा ज़्यादा कुछ फोटो है नहीं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है ना, देख सकते हैं आप। अब इसे रिलोकेट करना है फोटोज़ को, तो सिंपली मैंने बताया आपको फोल्डर को ओपन करना है, यहाँ से सबसे नीचे आके यहाँ फोल्डर दिख फोटो दिख रहा है आपको, देन इसे रिलोकेट कर ले यहाँ से, है ना, कुछ इस तरीके से। साइज छोटा बड़ा करना, कंट्रोल टी दबा करके, जैसे कि आप लोगों को फोटोज यूज करते हो तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए आपको कि इस तरह से छोटा करते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से मैंने रिलोकेट कर लिया। ओके, तो ये थी कुछ 5 PSD फ्रेम जो कि आर्ट फोटो फ्रेम है। आई होप कि आपको पसंद आई होगा, आप इसे डाउनलोड करेंगे, इसे यूज़ करेंगे। डेफिनेटली अगर पसंद होगा जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरह के और भी आर्ट की फोटो फ्रेम बहुत सारे आने वाली है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और कूल होने वाली है। तो फिलहाल आप इसे डाउनलोड कर ले, इसे रिप्लेस करके फोटो को अपने तरीके से यूज़ करें, काफ़ी अच्छी है, आप खुद ने भी देखा होगा यहाँ से, या तो फिर और एक बार और आप अच्छे से यहाँ से देख ले वन बाय वन, देन इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये वीडियो पसंद आएगी जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लेकर किस तरह का कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम होगी तो बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तो खैर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।